थर्ड आप यहाँ पे चाहे तो लिस्ट में मिक्स लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने लिस्ट का नाम मिक्स करके रख दिया और यहाँ पे जैसे हमने अजय लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमने 32 लिखा, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा भोपाल, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेजुएट, तो यहाँ पे देखिए नंबर और कैरेक्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं मिक्स करके ले सकते हैं। तो जब हमने प्रिंट मिक्स करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे वन बाय वन लाइन से आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे मिक्स लिस्ट भी बना सकते हो जिसमें कैरेक्टर नंबर दोनों को आप एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट से प्रिंट करके प्रिंट फंक्शन से ध्यान रखिएगा हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिक नॉर्मल सा एक लिस्ट बना रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग की हुई है तो लोग एरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एरे की का ही एक दूसरा फॉर्मेट एक लिस्ट यहाँ पे है। एरे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप जानते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगते थे एरे में, आपको याद होगा। तो पाइथन ने भी कुछ हटके नहीं किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स पाइथन ने जोड़ दिए। एरे के पास लिमिटेड फीचर होते थे, पाइथन के पास फीचर ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए उसी का एडवांस फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। और एरे की तरह आपको ध्यान रखना, जैसे एरे में आपको बताया जाता था कि लिस्ट का पहला एलिमेंट हमसे जीरो होता है, उसके बाद वन होता है, उसके बाद टू होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप तीन एलिमेंट का लिस्ट है तो एप्पल जो है वो जीरो में है, मैंगो वन में है, ऑरेंज टू में है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हर एक चीज जो है वो शून्य से स्टार्ट होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में मैंने मिक्स से और यहाँ पे टू डाल दिया तो ये किसको प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा भोपाल को। प्रिंट मिक्स टू मैंने किया तो भोपाल कर रहे हैं, जीरो ये वन ये टू ये थ्री है तो ये क्या करेगा भोपाल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नंबर वेरिएशन शून्य से स्टार्ट होता है, तो हम जिस चीज को वन मानते हैं कंप्यूटर उसको जीरो मान के स्टार्ट करता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रूल सिर्फ पाइथन में नहीं पूरे कंप्यूटर साइंस में ध्यान रखिएगा, ये रूल है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एडिंग न्यू लिस्ट आइटम, एक नए लिस्ट आइटम को ऐड करना, एडिंग अ न्यू लिस्ट आइटम, एडिंग न्यू लिस्ट आइटम, एक न्यू लिस्ट आइटम को ऐड करना। तो सेकंड हम लोग जैसा ये देख रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाया, हमें अगर लिस्ट पे एक नया आइटम को ऐड करना तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग में लिस्ट का बड़ा यूज रहता है, और लिस्ट जो हम लोग यहाँ पे बना रहे तो उसमें नए आइटम्स को ऐड भी करना पड़ता है, क्योंकि मशीन को अलग टाइप कर रहे कोई डेजिस बता रहे। तो हमने जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है फ्रूट नाम की, हमने जैसे लिस्ट बनाई और फ्रूट नाम की लिस्ट में अभी हम लोग एप्पल मैंगो और ऑरेंज नाम के तीन फ्रूट्स को लेके चल रहे हैं। अब आपको जैसे कहा गया कि आपको लोकेशन वन में, आपको लोकेशन वन में ग्रेप्स को ऐड करना है, लोकेशन वन मतलब जीरो वन टू यहां पे करना है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर दोगे, आपने यहां पे लिख दिया फ्रूट से वन बराबर, यहां पे हमने लिख दिया ग्रेप्स, फ्रूट्स के वन में हमने क्या किया ग्रेप्स को ऐड किया। तो जैसे मैं फ्रूट्स के वन में ग्रेप को ऐड करूंगा तो आप हमारी जो नई लिस्ट जो प्रिंट होगी, ये प्रिंट हमने इसके बाद फ्रूट्स किया तो आप जो नई लिस्ट आपके सामने आएगी इसमें क्या होगा, एप्पल आएगा, एप्पल के बाद कौन आएगा ग्रेप्स आएगा, ग्रेप्स के बाद आपका आएगा मैंगो और उसके बाद कौन आएगा ऑरेंज आएगा। यानी आपकी लिस्ट में चार एलिमेंट हो जाएंगे, ये जीरो ये वन ये टू ये थ्री, ठीक है। तो लोकेशन वन इसको दे देंगे और ये खिसक जाएगा, मैंगो खिसक के इस तरफ आ जाएगा, ऑरेंज और खिसक जाएगा, नहीं रिप्लेस नहीं करती, ऐड कर देना। ऐड करने का मतलब है जो पहले से उसमें एक और जोड़ देना। yes. जैसा आपके घर में जब अतिथि आते हैं तो लोग ऐड होते हैं कि रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब पहले से पांच लोग थे अतिथि पांच आए तो क्या पांच चले गए, ठीक है। आप रिप्लेस हो गए, आपको खाना भी नहीं मिलेगा, नहाने की व्यवस्था भी अभी खत्म, ठीक है, क्योंकि अतिथि है और जितने दिन रहे आप रिप्लेस ही रहेगा उसके बाद। हाँ सर, रूम से रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ लेकिन रहते तो घर में हो ना, ठीक है।
तो अतिथि पांच आए, आप पांच थे, मतलब 5 + 5 = 10। yes. अब 10 आप हो गए, ठीक है। क्या हो गया? तुम्हारा जैम, तुम्हारे लैपटॉप में जैम ही नहीं सपोर्ट कर रहा है बार बार। दो बार कर चुका हूँ इसके लिए। प्रोसेसर इसका MDA वाला है। अगर आपको इंटेल का नहीं है, अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके से फ्रूट्स डॉट रिमूव है। और हमें मैंगो को क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम नाम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसको चलाने के बाद जब हम प्रिंट फ्रूट्स करेंगे, नहीं अब ये इसका लिस्ट होगा ना, अब मैंगो रिमूव हो गया, तीन फ्रूट रह गया एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, क्योंकि हमने एक नया ऐड भी किया था इसमें, तो हमने नया ऐड भी किया था वो तो रहेगा। और ड्राइव के अंदर सारी चीजें दी है, ड्राइव्स के पार्टीशन किए नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के लिए तीन तरीके पात्र आपको देता है। पहला तरीके में हम लोग डायरेक्ट रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल रहे तो डायरेक्ट कह दिया गेट आउट, डायरेक्ट रिमूव, संजय उठो, यस सर आउट, यू आर फायर। नौकरी से बाहर जब निकाला जाता है तो भी रिमूव ही होता है, डायरेक्ट नाम दिया और रिमूव कर दिया, फायर, मतलब तो हमें कुछ सुनना नहीं, आपको बाहर कर दिया। तो रिमूव में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को उठा के सीधे कर रहा है, बाहर फेंक रहे, और जिसका नाम लेंगे वो बाहर हो भी जाएगा। और आपको ध्यान रखना कि एक बार कोई भी लिस्ट से बाहर होता है तो उसको फिर ऐड करके दोबारा ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडू वाला फीचर नहीं है कि आपको में से कहो अंडू चलाते कंट्रोल से डालते तो शायद दोबारा आ जाए। तो जहाँ पे आप लिख लिख के कोडिंग चलाते हो जहाँ पे, तो कोडिंग में अंडू का नहीं होता, जो मेटा उसको दोबारा इंसर्ट करो तो आ जाएगा, लेकिन अंडू वाला ऑप्शन नहीं है, तो कंट्रोल सेट दबाने का कोई फायदा नहीं है। फिर से इंसर्ट करो, इंसर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो इंसर्ट करो जैसे आपको इंसर्ट करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मिटाने का एक और तरीका आपके पास क्या आता है, मिटाने का यहाँ पे एक और तरीका आता है जिसको हम कहते हैं पॉप मेथड। आप पॉप से भी क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। तो अगला मेथड लिखो पॉप, और डैश के लिए लिखिएगा यहाँ फर्स्ट एलिमेंट, या फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दे, डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें नंबर्स को भी यूज किया जा सकता है, नंबर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, जिसमें नंबर को भी यूज किया जा सकता है, वेयर द नंबर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, हाँ फर्स्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अगर पॉप का यूज कर दो तो पहले कोड आ जाएगा, और नंबर दोगे तो नंबर के हिसाब से आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट बनाया सिटी बराबर, सिटी बराबर मैंने ये लिस्टिंग बनाई, सिटी बराबर आगरा दिल्ली लखनऊ, ये लिस्ट क्या कि मैंने आपको बना के दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अगर मुझे आगरा को डिलीट करना है, ठीक है, तो वैसे तो रिमूव से भी मैं कर सकता था, पर मेरे पास एक फंक्शन क्या है सिटी डॉट पॉप। अगर मैंने सिटी डॉट पॉप लिख दिया, पॉप को पता है पॉप हमेशा पहले भी ऊपर आता है, पॉप का एक डिफॉल्ट फैक्टर होता है, वो क्या करता है फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है मिटा देता है। जब इसको चलाओगे तो आपका इसके बाद जब हमने प्रिंट सिटी किया, तो प्रिंट सिटी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा दिल्ली और लखनऊ, दो एलिमेंट आपको क्या होंगे दिख जाएंगे, ठीक है, और आगरा कच्छ। तो पॉप करोगे तो पॉप हमेशा पहले को ही टारगेट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टैक की तरह, हाँ वो स्टैक का रूल रहता है, कई लोग जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ आईडी वाले स्टैक का ही, तो स्टैक का वो पॉप स्टैक का ही, जो पहला होगा वो ही जाएगा। हाँ फंक्शन है ना, वो तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और पॉप का यूज हम एक चीज और में भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला भी कई बार करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है उसको पॉप किया जाता है। घर में सबसे बड़ा कौन, 82 के दद्दा जी, तो भगवान कहता है कि पहले इसको क्या करो, उड़ा लो, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला भी गलत कर देता है, दद्दा जी है चलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी दिल्ली और लखनऊ बाकी है, मुझे जैसे लखनऊ को उड़ाना है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिल्ली लखनऊ में, लखनऊ वन पोजिशन तो मैंने सिटी डॉट कॉम लखनऊ वन किया है। ये क्या करेगा, जब आप प्रिंट सिटी करोगे तो आपके पास आपके पास कौन रह जाएगा, सिर्फ दिल्ली रह जाएगा, बाकी सब चले जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लोकेशन डालोगे तो फिर लोकेशन के हिसाब से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये वाला सिटी डॉट कॉम वन सिटी दिल्ली जो अभी सर ने मुझे दिया है अभी। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना कि पाइथन में लिस्ट बनाने का बहुत सारे जॉब्स में कंपलसरी कर दिया जाता है कि भाई आप लिस्ट पाइथन में बनाए, तो पाइथन में ये वैसे लिस्ट आप बनाओ जैसे आप एक्सेल में लिस्ट बनाते हो। बस अंतर क्या कि यहाँ पे आप लोग लिस्ट को एक फंक्शन से बनाते हो चल रहा, और एक्सेल में आप क्या करते थे, डायरेक्ट लिखते थे, फिर उसके बाद फंक्शन लगा के काम भी करते थे। ठीक है, एक्सेल में भी आपने क्या किया, लिस्ट बनाए, फंक्शन लगाया। यहाँ पे बस आपको फंक्शन लिस्ट जो है वो आपको फंक्शन से बनानी है, उसके बाद उसमें फंक्शन से आप पूरे एप्लीकेशन करते जा रहे हैं।